नाउ स्टूडेंट्स लेट मी जस्ट सिमुलेट टू यू कि अगर आपका अपना एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है आपका अपना एक ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट है आप कोई चीज उसके ऊपर सेल करना चाहते हैं लेकिन आप ड्रॉप शिपिंग के जरिए यानी ड्रॉप शिपिंग की ऑप्शन आप यूज करना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग की ऑप्शन यूज करते कैसे हैं यानी कौन कौन से यानी वी टू फाइंड दो ड्रॉप शिपिंग कंपनीज वो हम अभी कुछ आगे जाकर टॉपिक्स में देखेंगे लेकिन अभी मैं आपको ये सिमुलेट करके बताता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग का को यूज़ करने का या इसको एम्बेड करने का अपनी शॉपिंग कार्ट में इसका प्रोसेस होता क्या है सो लेट्स सी ड्रॉप शिपिंग का मॉडल बड़ा ही आसान सा है अब ये एंड टू एंड ड्रॉप शिपिंग है इससे मुराद ये मैं एंड टू एंड ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी ये एज्यूम किया है यानी मेरी ये एजम्पन है ये डायग्राम प्रेजेंट करते वक्त कि ना मैं खुद से इन्वेंटरी मैनेज कर रहा हूं ना मैं खुद से सप्लाई साइड मैनेज कर रहा हूं यानी सप्लायर से जो कम्युनिकेशन हो रही है और ना ही मैं शिपमेंट खुद से कर रहा हूं आसान लफ्जों में स्टेप वन एक कस्टमर है वो मेरे स्टोर पर आया उसने दो सौ डॉलर की कोई चीज ऑर्डर की कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल उसने कोई हेल्थ वॉच ऑर्डर कर दी दो सौ रुपए उसने मुझे पे किए यानी मेरे स्टोर को पे किए और मेरे पास अभी हेल्थ वॉश नहीं है मैं किसी थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री यानी किसी तीसरी शॉप की इन्वेंट्री को अपने पास शो कर रहा हूं यानी आप आसान लफ्जों में यूँ समझें कि मेरी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट की कैटलॉग है या जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है या जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो किसी दूसरी वेबसाइट से मैं लेके आ रहा हूं वो कैसे लेके आ रहा हूं वो एक अलग चीज़ है लेकिन मेरे पास मौजूद नहीं है मेरे फिजिकल स्टोर में वो डेटा या वो प्रोडक्ट मौजूद नहीं है वो किसी तीसरी वेबसाइट से आ रहा है ठीक है जिसको हम लोग थर्ड पार्टी बोलेंगे थर्ड पार्टी इसलिए कि कस्टमर एक पार्टी मैं स्टोर दूसरी पार्टी और मैं किसी तीसरी स्टोर से बात कर रहा हूं यानी कस्टमर के लिए जिस 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 कंपनी के या जिस स्टोर के प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे हैं वो थर्ड पार्टी है तो कस्टमर ने मुझे 200 डॉलर पे किया मेरे स्टोर के ऊपर कस्टमर को यह नहीं पता कि मैंने किससे आगे प्रोक्योरमेंट की हुई है या मैंने आगे शिपमेंट से करवानी है तो कस्टमर के इंटरफेस पे मैं मौजूद हूं मेरी वेबसाइट मौजूद है मेरे अकाउंट में 200 डॉलर आ गए अब मैंने आगे से डील ये की हुई थी कि जो चीज मैं 200 की बेच रहा हूं वो मुझे फॉर एग्जांपल पड़ती है 180 डॉलर की यानी मैंने जो थर्ड पार्टी से खरीदी हुई है वो एक डॉलर की खरीदी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ जो बीस डॉलर है वो मैंने अपना प्रॉफिट रखा हुआ था अब जो 20 डॉलर है उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड थी यानी जो 180 मुझे मैंने आ, मैंने आगे पे करना है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है इन्वेंट्री मैं मैनेजिंग कर रहा सप्लाई साइड मैं मैनेजिंग कर रहा शिपमेंट जो शिपमेंट की कॉस्ट है वो मेरी दर्द सर नहीं है मतलब आसान से लफ्जों में मैंने एज एजेंट काम किया मैंने कस्टमर से दो डॉलर लिए अपने एक अपना जो बीस डॉलर कट है वो अपने पास रखा एक सौ अस्सी डॉलर मैंने मैंने थर्ड पार्टी को दे दिया अब ये थर्ड पार्टी का काम है कि वो प्रोडक्ट को अरेंज करे अगर उसके पास नहीं है उसे पैक करे और उसको उस उस टाइमलाइन में उस ड्यूरेशन में कस्टमर को शिप भी करे जो कस्टमर को मेरे पोर्टल ने बताया अब यहां पे एक दो रिस्क हैं लेकिन हम अभी आगे डिस्कस करेंगे लेकिन आसान लफ्जों में कि फ्रॉम प्रिक्योरमेंट यानी खरीदारी से लेकर कस्टमर को चीज पहुंचाने तक वो कंपनी जिससे कस्टमर बात करेगा वो तो मैं हूं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने भी किसी तीसरी पार्टी को सारे का सारा काम आउटसोर्स कर दिया है और मैंने अपना जो कट है या जो अपना मार्जिन है या जो अपना प्रॉफिट है वो मैंने अपने पास एक्चुअली रख लिया है तो अगर मैं इसको आपको गूगल के सर्च इंजन से मैप करके दू तो गूगल भी यही करते एक्चुअली गूगल एक कंपनी का जो कंटेंट है वो वो रखता है अपने पास और जो यूजर उस कंटेंट को सर्च करना चाहता है उसको वो कंटेंट प्रोवाइड कर देता है और जो कंपनी है उससे पैसे चार्ज कर लेता है दिस इज इट और बिल्कुल उसी मॉडल पे ये यानी अगर मैं जब मैं सिर्फ आपको कंपेरिजन के लिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी यू नो मेंटल पिक्चर इसके क्लियर हो जाए कि ये ड्रॉप शिपिंग एंड टू एंड काम कैसे करती है अब यहां पे सिर्फ एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाह रहा हूं बिफोर वी प्रोसीड फर्दर कि ये मैंने एंड टू एंड ड्रॉप शिपिंग की है मतलब इस पूरे मॉडल में जो मैंने आपको बताया है मैं ना इन्वेंट्री ना स्टॉक ना शिपिंग ये तीनों काम मैं नहीं कर रहा ऐसा बिल्कुल होता है और कंपनी ऐसा बिल्कुल करती है कि तीन स्टेप में से इन्वेंट्री मैनेजमेंट सप्लाई साइड मैनेजमेंट शिपिंग मैनेजमेंट मैं कुछ चीजें ड्रॉपशिप कर दे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो थर्ड पार्टी से कि कि मैं मैं ये को, मैं ये बोलूं इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल और सप्लाई मैनेजमेंट वो तो मैं खुद कर रहा हूं लेकिन जो शिपमेंट की जिम्मेदारी है वो किसी और थर्ड पार्टी की हो और अमूमन होती भी ऐसे है दैट्स वन वे एंड अदर वे ऑफ डूइंग दिस के मैं ये बोलूं कि सप्लाई साइड जो है वो मैंने किसी थर्ड पार्टी को दे दी है और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो मैंने अपने पास की हुई है तो अब इसमें थोड़ी नॉइस ज्यादा हो जाती है यानी थिंग्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड तो क्योंकि आपको फिर अपने पास भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी सो so, अगर एंड टू एंड ड्रॉप शिपिंग देखें तो यू आर नथिंग मोर देन अ प्रॉफिट एजेंट जो कि एक साइड से चीज़ खरीद के दूसरी साइड पे चीज़ वो प्रोवाइड कर रहा है और अपना कट जो है ये ट्रांजेक्शन करवाने का यानी जो आपका पोर्टल है ये ट्रांजेक्शन करवाने का आपने पास रख रहा है गुड टू गो सीमिंगली ये लगता है कि कोई रिस्क नहीं है लेकिन अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स मौजूद हैं